जनपद संभल के चंदौसी में नगर पालिका परिषद द्वारा गैर आवासीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अत्यधिक कर वसूलने के विरोध में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने चंदौसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदुरानी के आवास विकास कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस विषय में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने बताया कि गैर आवासीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नगर पालिका परिषद द्वारा अत्यधिक कर वसूला जा रहा है, जो कि पालिका के बोर्ड से पास भी नहीं है, जबकि कोई भी कर लगाने से पहले उसे पालिका के बोर्ड से पास कराना जरूरी है। पालिका की चेयरमैन को एक ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर दिया है? हमने ये गैर आवासीय व्यापारी प्रतिष्ठानों पर टैक्स जो लगाया जा रहा है पिछले 10 वर्ष से, उनका उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि बोर्ड द्वारा, ये सरकार द्वारा पास नहीं है, बोर्ड द्वारा पास नहीं है, जबकि सरकार का ये नियम है कि बोर्ड द्वारा पास होने पर ही टैक्स लिया जा सकता है। हमारे यहाँ उत्पीड़न इस पर किया जा रहा है कि सर्किल रेट पर, सरकारी सर्किल रेट पर 5% टैक्स लगा करके टैक्स लिया जा रहा है, और उसके बाद फिर सौदेबाजी करती है, और जो कर्मचारी है वो व्यापारी से सौदा करता है और कुछ टैक्स का रसीद काट देता है और बाकी अपनी जेब में रख लेता है। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चेयरमैन साहिबा को एक ज्ञापन सौंप कर ये मांग करी है कि जो ये गैर आवासीय व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उन पे सर्किट रेट के अनुसार 5% टैक्स ये वसूल रहे हैं, जो कि अत्यधिक है। अभी तक ये जो है किसी बोर्ड की मीटिंग में पास नहीं हुआ, जो नगर पालिका नियमावली के अनुरूप है उसके खिलाफ है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो टैक्स का लेकर आए हैं विषय जो भी है, वो कल मैंने उनको टाइम दिया, कल 11 बजे अधिशासी अधिकारी रहेंगे और जो भी हमारा टैक्स से संबंधित विभाग है, अधिकारी है, कर्मचारी है, बैठे रहे, सामने मीटिंग होगी और जो जेनुइन नियमानुसार काम है वो नियमानुसार टैक्स जमा होना चाहिए, और अगर अनलगर रूप से कोई कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ ये बताए, प्रमाण दे, लिख करके दे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी तो जनरल तरीके से काम हो रहा है, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और मैं भी इस पक्ष में कि नियमानुसार काम हो, किसी पे अनलीगल इलीगल तरीके से कोई काम नहीं होना चाहिए।